सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। खातर इतने बैठे कि साडे बच्चों साडे हक में जो एक कानून असी रद्द करा के जावे नहीं इतने बैठे डरन वाली कौम ही नहीं सारे आपका जो लैन आए असी हक सानू साडा मिलना चाहिए असी लैके जावे बाकी साडी गुरु महाराज परमात्मा साडी सुनूंगा साडी दुआ बस यही सुपना वो ठीक है सब कुछ। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं है कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। बोलूंगी आओ जुमला पकोड़ा खाओ, आओ बेरोजगारी पकोड़ा खाओ, आओ 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था पकोड़ा खाओ। नाली से गैस निकाली, अभी कल हमने कोशिश करी वो नाली से गैस निकालने की चाय की, इतने बुरे तरीके से हम फेल हुए भाई पूछो मत, नाक सड़ गया, गैस नाली से गैस ना निकली। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? हम कह रहे हैं हम घूम घूम के अपना रोजगार कमाएंगे, खाएंगे, पकोड़े बेचेंगे। Who is bloody stopping us? These police officials? I'm calling 112, एक मिनट। भाई, तो रोका क्यों आपने? फिर क्या जाते हैं यार? आप कुछ खा भी नहीं सकते, ये मेरे घी को कैसे रोक सकते हैं? मैं वही बात कह रहा हूँ कि ईवीएम से नहीं होने देना। आप जनता को क्यों भटकाना चाहते हैं? अगर का सवाल ही नहीं उठता, मोदी जी हमारे नौकर हैं, देश की जनता के। अगर का इलेक्शन कमीशन हमारी नौकर है, अगर का सवाल है? अगर का मैंने देश की जनता ने गारंटी ली है, मैं एक छोटा सा सिपाही नौकर हूँ देश की जनता का। मैं आने वाले समय में मैं जीतने में विश्वास रखता हूँ देश की जनता का। कोई कंफ्यूजन नहीं है जनता में, पेपर बैलेट से चुनाव कराना चाहती है जनता। और कोई मुसीबत आती है, कोई पहाड़ गिर जाता है, तो तब की तब सोची जाती है आज तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से चुनाव होगा। किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं है जो पेपर बैलेट से चुनाव होगा। अरे मैं आपको ऐलान की बात ही नहीं है ना, पेपर बैलेट से ही चुनाव होता है, ये कानून है। ऐलान क्यों करना है? नहीं है ईवीएम का सेक्शन, मैं आपको बता चुका हूँ 61A, आप सभी पढ़ लें। ईवीएम का चुनाव कराने का कोई प्रावधान नहीं है, पेपर बैलेट से चुनाव कराने का प्रावधान है। जहाँ कहीं एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये लिखा हुआ है 61A में, कहीं इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि यहाँ पे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराना चाहिए, वहाँ पर ही सिर्फ ईवीएम से चुनाव कराया जा सकता है, प्रावधान ही नहीं है कोई। इलेक्ट्रॉनिक्स का BIS है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनका BIS है, कहीं से है? आपने तीनों को मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, जो इलेक्शन कमीशन क्या है उसने कह दिया उन दोनों से ले लो भैया, और दोनों ने कहा कि भैया वो तो जो कमेटी कहती है हम तो वही बना देते हैं, और तीसरे ने कहा कि भैया उससे जो है उनको इंस्पेक्शन करके गई, सर्टिफिकेट नहीं। मतलब जिस प्रणाली से आप चुनाव कर रहे हैं इस देश के मतदाता के साथ में, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन के लोग ये गए थे इसको पेटेंट कराने, जहां गए थे इंटरनेशनल एक संस्था उसने कागज फेंक के मारे इनके। किस बात का पेटेंट करा रहे हो? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये मशीन बनाई उसी ने इस पे कहा कि इस पर कोई भरोसा नहीं करता।